वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल आर वॉचिंग डेली एडिटोरियल अनालिसिस कवरिंग ट्वेंटी थर्ड मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज हम दो आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़ पेपर से कवर करेंगे फर्स्ट वन इज़ वीट कन्फ्यूजन वेल यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो वीट एक्सपोर्ट को बैन किया है एंड uh, उसके पीछे जो शॉर्टेज़ की अप्रिहेंशन को देखते हुए जो ये एक्सपोर्ट बैन किया गया है uh, उसे लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है हम समझेंगे इस पूरी चीज़ को आफ्टर दैट आर सेकेंड आर्टिकल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस दिस आर्टिकल इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड जिस तरह इंडिया uh, ने जो फ्लिप फ्लॉप जो अप्रोच दिखाई है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वीट तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि वी डोंट हैव अ कोहरन और वी लैक इन टर्म्स ऑफ कोहरन पॉलिसी ऑफ फ़ूड सिक्योरिटी तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो हम डिस्कस करेंगे ये दोनों ही टॉपिक हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं सो लेट्स बिगिन विद इट तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल इंडिया का वीट एक्सपोर्ट और इसका रिलेशन फूड सिक्योरिटी के साथ क्या है इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में रिलेट करता है एन आर्टिकल इन टूडेज़ द हिंदी न्यूज़ पेपर विद द टाइटल वीट कन्फ्यूजन ना किस तरह से अभी तक हमारी वीट एक्सपोर्ट को लेकर इंडिया ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं सबसे पहले हम इसको समझते हैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं क्योंकि पहला एस्पेक्ट यहाँ पे वीट एक्सपोर्ट है पहले एक्सपोर्ट वाली साइड को समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि इसे फूड सिक्योरिटी के साथ किस तरह रिलेट किया जा रहा है तो इंडिया ने दुनिया भर को सरप्राइज़ कर दिया जब मे थर्टीन को इंडिया ने अनाउंस किया दैट वी विल बी बैनिंग वीट एक्सपोर्ट तो इंडिया डिसाइडेड टू बार वीट एक्सपोर्ट फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट एंड ये डिसीजन मे थर्टीन्थ को अनाउंस किया जाता है हालांकि इस डिसीजन के बाद अब गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफेंसिव हो चुकी है सेंटर ने अपने ऑर्डर को अमेंड किया और कहा कि वो सब एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स जो कि कस्टम डिपार्टमेंट सिस्टम में रजिस्टर हो चुकी हैं उनको अलाउ किया जाए या फिर वो जो कि हैंड ओवर कर दी गई थी बिफोर और प्रायर टू यू नो ऑन और प्रायर टू मे थर्टीन इन ऑर्डर्स को इन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स को अलाउ किया गया है नाउ अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फ़ूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन ये एक मिनिस्टेरियल मीटिंग थी ये न्यूयॉर्क में हुई थी कुछ ही दिनों पहले एंड इस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मिनिस्टेरियल मीटिंग को एड्रेस करते हुए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने ये कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगाई हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट इससे एक तरह का अलाउंस मिलेगा उन कंट्रीज़ को हु हैव फूड सिक्योरिटी नीड्स तो वो कंट्रीज़ जहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंता है उन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाएगा अलाउंस मिलेगा बट ये जो थोड़ा सा लिमिटेड ईजिंग की गई है रिस्ट्रिक्शंस की कि हाँ जी वो कंट्रीज़ जहाँ पे फूड सिक्योरिटी की दिक्कत है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा बट दिस लिमिटेड ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज़ गोइंग टू बेनिफिट ट्रेडर्स मोर देन द फार्मर्स इससे इतना फ़ायदा फार्मर्स को नहीं होगा जितना कि ट्रेडर्स को होगा ना अब जब हम ये पूरा इशू डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये आती है कि हमारे पास एक यू नो मिस है डिमांड और सप्लाई में डिमांड हमारी वीट की कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है इसमें काफ़ी मिसमैच है लेकिन यहाँ पे ये क्लियर करना होगा कि फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट ये जो इंडिकेशंस थी कि वीट की सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो सकता है दिस वर वेरी एविडेंट कुछ फैक्टर्स थे यहाँ पे जो कि इसे काफ़ी एविडेंट कर रहे थे जैसे कि यू नो दे वॉज राइजिंग लेवल ऑफ इन्फ्लेशन चाहे होलसेल लेवल पर हो चाहे रिटेल लेवल पर हो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है उसके बाद हम सबको रशिया यूक्रेन वॉर का भी पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन जो कि दो प्रोमिनेंट वीट एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं वहाँ से सप्लाई रुक चुकी है तो मतलब सप्लाई कम हो गई है लेकिन डिमांड बढ़ गई है तो ये भी पहले दिख रहा था कि मिसमैच तो हो सकता है फिर एक बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया में मार्च और अप्रैल के मंथ में हमारी जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ में पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो अनयूजुअली काफ़ी वार्म वेदर देखने के लिए मिला और इस वार्म वेदर की वजह से हमारा जब सेंट्रल पूल में जो ओपनिंग ही हुई है वही काफ़ी लोअर बैलेंस पे हुई है क्योंकि कंपैरेटिवली हमारी जो वीट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुई है इवन गवर्नमेंट ने भी वीट प्रोडक्शन को जो एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन है उसे डिक्रीज कर दिया है हमारे पास पहले यू नो ट्रिपल वन पॉइंट थ्री फाइव मिलियन टन्स की बात हो रही थी कि एक सौ ग्यारह मिलियन टन से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होगी लेकिन अब इसे डिक्रीज़ करके वन हंड्रेड एंड फाइव मिलियन टन्स पे ला दिया गया है तो बाय नेचर हमारे पास वार्म वेदर कंडीशन होने की वजह से जो वीट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गई तो पहले से ही हमारा जो सेंट्रल पूल जो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक्वायर कर रहा है उसी में ये नज़र आना शुरू हो गया कि जो ओपनिंग बैलेंस था स्पेशली ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022 ट्वेंटी टू दैट वॉज कंपेरेटिवली लोअर एंड देयरफॉर हमारी जो वीट प्रोडक्शन है वो कम थी है, इस साल के लिए सो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये जो सभी फैक्टर्स हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि येस देर इज़ अ प्रोमिनेंट मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई दीज फैक्टर्स व एविडेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ना ये तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल फूड प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पे भी ये पिक्चर क्लियर हो जाती है एंड फॉर दैट वी विल रेफर टू यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ नाउ फाओ की भी हमने रिपोर्ट्स देखी थी नाउ इवन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वॉर इवन बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबली हमारे पास एनर्जी और जो फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस थे दे वो ऑल टाइम हाई जो मार्केट कंडीशंस थी वो इस तरह की थी कि ऑलरेडी जो प्राइसेस थे वो काफ़ी हाई थे ग्लोबली इन्फ्लेशन चल रहा था देर वॉज़ हाई प्राइसेस ऑफ़ एनर्जी फर्टिलाइज़र और जो बाकी एग्रीकल्चरल सर्विसेज यूज़ किए जाते हैं इन सब के प्राइसेस पहले से ही हाई थे तो अल्टीमेटली जो हमारे पास इन्फ्लेशन था फूड प्राइसेस में वो पहले से ही इंडिकेट हो रहा था ना अगर हम यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की टाइमलाइन को समझना ठीक है वीट एक्सपोर्ट को लेकर हमारा अभी तक क्या क्या स्टैंड रहा है बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक टर्म यूज़ की गई है हमारा जो आर्टिकल है उसको हेडिंग दी गई है वीट कन्फ्यूजन तो उस वीट कन्फ्यूजन को समझने के लिए एक बार इंडिया में वीट एक्सपोर्ट को लेकर क्या क्या डिसीजन लिए गए उसे एक बार समझ लेते हैं तो बिगनिंग ऑफ द मे की बात करते हैं मे फोर्थ की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया था दैट देयर वाज नो मूव टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं दी गई कि वीट एक्सपोर्ट को कर्ब किया जाएगा रादर ये कहा गया कि ये तो भाई इंडिया के लिए बड़ा ही अपॉर्चुनिट मोमेंट है इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वीट को बेच सकें सेल कर सकें स्पेशली क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इंटरनेशनल मार्केट में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से वीट आनी शुरू हो जाएगी तो उससे पहले पहले ये जो महीना है ये जो अप्रैल मई का मंथ है दिस इज परफेक्ट दिस इज अ ग्लोब यू नो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स टू सेल द इंडियन वीट इन द इंटरनेशनल मार्केट ये हमारा स्टैंड था मे फोर्थ को ना इसकी वजह से क्या हुआ अगर हम हमारी डोमेस्टिक मार्केट देखें तो एज़ कम्पेयर टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम एस पी जो कि गवर्नमेंट ऑफ़र करती है यू विच यू नो विच इज प्रोजेक्टेड गवर्नमेंट जो एम एस पी फार्मर्स को देती है उसके कंपेरिजन में डोमेस्टिक मार्केट में हायर प्राइसेस थे एम एस पी से ज़्यादा हायर प्राइसिस डोमेस्टिक मार्केट में ऑफर हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस ऑपर्चुनिट मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस ऑपरचुनिट नो दाइमिंग ऑफ यू नो इंडियन ट्रेडर्स टू सेल वीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड दिस वॉज अ नॉट फेवरेबल फॉर फार्मर्स एम एस पी से ज्यादा दाम मिल रहा था अच्छा अब जस्ट बिफोर यू नो बैनिंग दी वीट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि ट्रेड डेलीगेशन हमारी कंट्री के मोराक् ट्यूनिशिया इंडोनेशिया जाएंगे एंड दे विल एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज जिससे कि हम वीट को उन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर सकें सो वी वर ट्राइंग टू एक्सपैंड डेस्टिनेशन मोरक्को ट्यूनिशिया इंडोनेशिया ये हमारी टारगेट मार्केट्स थी इसके अलावा जब से हम वीट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे तब से इजिप्ट और टर्की भी न्यूज़ में था कि भाई यहाँ पे हम वीट को सप्लाई करेंगे बिकॉज दीज द टू मेन कंट्रीज जहाँ से रशिया और यूक्रेन से वीट आती थी तो इवन इजिप्ट और टर्की ने भी इंडियन वीट को अप्रूव कर दिया था दे अप्रूव द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन वीट ऑल दिस हैपन जस्ट टू डेज बिफोर द व्हेन इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द वीट एक्सपोर्ट अच्छा अब ये सब देखते हुए क्योंकि हमारे लिए ये एक काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इवन गवर्नमेंट ने हमारा जो टारगेट था कि भाई इस साल कितना वीट एक्सपोर्ट करना है इस टारगेट को सेट किया एट टेन मिलियन टन्स और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसे थ्री मिलियन टन्स हायर रखा गया लास्ट ईयर सेवन मिलियन टन का टारगेट था इस साल इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंडिया ने अपने वीट एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो भी टेन मिलियन टन्स पे कर दिया था तो यहाँ तक तो बहुत ही सीधे रास्ते पे हम आ रहे हैं लेकिन मे थर्टींथ इंडिया अनाउंसड टू कर्ब दीट एक्सपोर्ट टू बैन वीट एक्सपोर्ट पूरा यू टर्न यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी तक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मई थर्टींथ को इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया दिस इज दू टर्न इन दिस पर्टिकुलर स्फेयर जिसके बाद हम करंट अफेयर में फॉलो कर रहे थे G7 सेवन में जो इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे दे ऑल्सो क्रिटिसाइज इंडिया फॉर दिस मूव लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि गवर्नमेंट को ज़्यादा देर तक अपनी जो करंट पोजीशन है जिसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑन व्हीट एक्सपोर्ट ज़्यादा देर तक इस पोजीशन पे नहीं रहना होगा बिकॉज ये जो मूव है ये डायरेक्टली फार्मर्स को हिट कर रहा है और ये किस तरह फार्मर्स को हिट कर रहा है ऑलरेडी मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो चुके हैं दिस इज़ अ बिग इंडिकेशन एंड एक लेसन भी हमें हमारे 15 ईयर्स पहले के एक्सपीरियंस से लेना होगा 15 साल पहले इंडिया ने नॉन बासमती राइस के ऊपर बैन को लिफ्ट करने में दो साल लगा दिए और इतने टाइम में थाईलैंड और वियतनाम ने इसकी पूरी की पूरी एडवांटेज ली और इंडिया को नुकसान हो गया हमारे यहाँ पे बैन लगा रहा नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेकर दो साल लग गए बैन को लिफ्ट करते करते एंड यहाँ पे फ़ायदा कौन ले गया थाईलैंड एंड वियतनाम ये एक लेसन है जो हमने 15 इयर्स पहले लिया है ना देर आर एप्रिहेंशन की ये जो फूड शॉर्टेज है दे आर मिसप्लेस नाउ हम अभी देखेंगे अभी हम वीट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना इसके बाद हम वीट सिक्योरिटी की बात करेंगे फूड uh, अपने फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे फूड शॉर्टेज की बात करेंगे तो ये जो अप्रीहेंशन थे कि फूड शॉर्टेज है ये मिसप्लेस हो चुकी है एंड गवर्नमेंट वुड डू वेल यू नो टू लिफ्ट दीज रिस्ट्रिक्शन सुनर लेटर तो आई होप यहाँ पे आपको वीट एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो है वो क्लियर हुआ होगा किस तरह वीट एक्सपोर्ट में वीट एक कन्फ्यूजन आ गई है ये जो यू टर्न आ चुका है तो अब हमने जो एक्सपोर्ट साइड है वो हमने देख ली कि किस तरह से हमारे पास कन्फ्यूजिंग पॉलिसी सिग्नल्स आ रहे हैं एंड थर्टीनथ मे को ए वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सपोर्ट और वीट को लेकर ये जो फ़्लिप फ्लॉप चल रहा है जो थोड़ा यू टर्न चल रहा है क्या इसके पीछे फूड सिक्योरिटी का कोई रोल है इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट लैकिंग अ कोहरेंट पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी दैट वी आर गोइंग टू सी तो हमारे पास ये जो सडन यू टर्न आया है जो सडन टर्म ऑयल आया है एक्सपोर्ट पॉलिसी में दिस अपीर्स टू बी ऑन अकाउंट ऑफ फेयर दैट देयर इज लो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड दिस वुड अफेक्ट द डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी हमारे पास जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट चल रही थी वीट की वो इस साल लो है तो क्या इसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी खतरे में थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने व्हीट एक्सपोर्ट को बैन किया दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पब्लिक प्रोक्योरमेंट सो सिंस नाइनटीन ओनली इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडियाज़ फूड पॉलिसी एंड इसको लेकर हमारे पास दो एक्सट्रीम व्यूज आते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट दी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिस्ट एंड दी सोशल साइंटिस्ट

सो देर आर अदर इकोनॉमीज दजेस्ट दैट फूड स्टॉक्स मस्ट बी रन डाउन इन इंडिया एंड फूड सिक्योरिटी की जो नीड्स हैं देश शुड भी मेट थ्रू वर्ल्ड ट्रेड कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फोकस ना करो फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो फूड स्टॉक्स हैं दे शुड भी रन डाउन एंड अगर फूड सिक्योरिटी जो है दैट शुड भी मेट थ्रू वर्ल्ड ट्रेड तो ये दो डिस्टिंक्ट व्यूज आते हैं वेन इट कम्स टू पब्लिक प्रिक्योरमेंट नाउ वी फोकस ऑन द स्टेटस ऑफ वीट प्रोक्योरमेंट दिस समर तो एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इस सीज़न में जो समर सीजन में जो वीट प्रोक्योरमेंट की गई है दैट हैज़ बीन वेरी लो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लास्ट ईयर जो वीट प्रोक्योरमेंट थी दैट वॉज अराउंड फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री फोर मिलियन टन्स वेयर एज अगर हम करंट सीजन की बात करें तो एज ऑफ मे टेंथ द वीट प्रोक्योरमेंट वॉज ऑफ 17.8 मिलियन टन्स तो क्लियरली अगर हम इस साल की प्रोक्योरमेंट को लास्ट ईयर से कंपेयर करें वी कैन क्लियरली सी दैट कि जो वीट प्रोक्योरमेंट है वो इस साल काफ़ी लो रही है एंड जिसके चलते पहले सीजन की शुरुआत में गवर्नमेंट ने इस साल के लिए जो प्रोक्योरमेंट टारगेट रखा था इस सीज़न के लिए जो प्रोक्योरमेंट टारगेट रखा था दैट वॉज फोर्टी फोर पॉइंट फोर मिलियन टन्स और देन इस प्रोडक्शन को देखते हुए प्रोक्योरमेंट को देखते हुए इवन जो प्रोक्योरमेंट टारगेट है उसे भी डिक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 44.4 मिलियन टन्स टू 19.5 मिलियन टन्स तो ये सभी जो हम यू नो चेंजेस देख रहे हैं वी आर सीइंग की प्रोक्योरमेंट काफ़ी लो हुई है गवर्नमेंट ने अपना टारगेट भी डिक्रीज़ कर दिया है तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये सब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन आर दीज थिंग्स प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स अ कंसर्न सो इज़ देयर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रीन्स सी सो द आंसर इज नो बिकॉज अगर हम अगर हम ये कहें कि क्या इंडिया में फूड ग्रीन्स की अवेलेबलिटी को लेकर कोई कंसर्न है तो इसका जवाब तो नो है ओनली इफ अगर हमारे जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो इस तरह लिए जाए कि जो फूड राशनिंग नेटवर्क हैं वहाँ पर एडिकुएट डिस्ट्रीब्यूशन हो फूड ग्रीनस की जो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन हैं वो यू नो अंडरटेक किए जाएँ ताकि एक स्टेबल प्राइस बना रहे तो अगर हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ओपन मार्केट ऑपरेशन को एफिशेंट कर देते हैं देन द आंसर इज़ नो एंड यहाँ पे जो जम्शन ली जा रही है वो ये है दैट इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ बोथ राइस एंड वीट आर कंज्यूम्ड तो ये बड़ी फ़ायदे की बात है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की शॉर्टेज आती भी है जो कि वैसे नहीं है बट स्टिल वी कैन डिस्ट्रीब्यूट राइस इंस्टेड ऑफ वीट क्योंकि अगर हम राइस का स्टॉक देखें सो एज ऑफ अप्रैल 2022 जो राइस का स्टॉक है दैट इज़ अराउंड 33 मिलियन टन्स तो डेफिनेटली हम यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बात करें फूड सिक्योरिटी की बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स की बात करें विद एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द फूड राशनिंग नेटवर्क there is no concern about the availability of food grains can keeping in mind that assuming that both rice and wheat are consumed in our country and we can replace we can use rice instead of wheat इसके बाद एक बड़ा stand ये आता है वी आर सेइंग की इस साल जो wheat production हुई है वो एस्टीमेशन जो की गई थी जो एस्टीमेट किया गया था उसके कंपैरिजन में काफी लो है रीज़न हम देख चुके हैं मार्च अप्रैल मंथ में काफ़ी ज़्यादा हाई हीट होने की वजह से जो वीट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है दिस इज़ ट्रू लेकिन क्या ये जो शॉर्टफॉल हुआ है हमारे प्रोडक्शन में ये बहुत सिग्निफिकेंट है देन आई कैन आंसर इज़ नो अगर हम प्रीवियस ईयर की प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो ये जो शॉर्टफॉल हुआ है ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है because if we look towards टू and 19 एंड so back सो बैक देन production प्रोडक्शन 103.6 million tons 2019 20 मिलियन टन्स टू थाउजेंड में 107.8 मिलियन टन्स प्रोडक्शन रही है और 2020 एंड ट्वेंटी में 109.5 मिलियन टन्स जो प्रोडक्शन है वो रही है हालांकि जो एस्टीमेट किया गया था इस यू नो एंड 2022 सीजन के लिए दैट 111.3 मिलियन टन्स लेकिन जो हमारे पास अभी तक जो एस्टिमेट्स आए हैं उनको डिक्रीज़ किया गया और रिवाइज़ किया गया तो अब प्रोजेक्शंस हैं 105 मिलियन टन्स की तो यू कैन क्लियरली सी एक साल में विनो हंड्रेड एंड थ्री है एक में हंड्रेड एंड सेवन है एक में हंड्रेड एंड नाइन है तो उसकी कंपैरिजन में हंड्रेड एंड फाइव बहुत बड़ा शॉर्टफॉल नहीं है हालांकि अगर हम यहाँ पे ट्रेंड देखें तो 2018 से लेकर अब तक जो प्रोडक्शन है वो लगातार क्या होती जा रही थी इंक्रीज होती जा रही थी तो इसी की वजह से जो एस्टिमेशन की गई वो कितनी थी कि भाई इस साल जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो 111.3 मिलियन टन्स हो सकती है लेकिन वो डिक्रीज हो गई और कितनी है 105, लेकिन क्या ये 105 मिलियन टन्स इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा नंबर है आंसर इज नो दिस शॉर्टफॉल इज़ नॉट दैट बिग फिर यहाँ पे एक और जो ट्रेंड आता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ इन रशिया यूक्रेन वॉर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये तो प्रोजेक्शन है ही, ही कि हमारे पास जो ग्लोबली वीट की प्रोडक्शन और ट्रेड में रिडक्शन हुई है सो देर इज़ ग्लोबल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ वीट एंड क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन दोनों ही मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वीट के इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट तो इस वॉर की वजह से डिसरपशन हो चुके हैं एंड इस्पेशली वो कंट्रीज़ जो कि इनके ऊपर रिलाई करते थे फॉर वीट इम्पोर्ट कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट दे आर एडवर्सली फेसिंग दिस एंड यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये आती है कि जैसा कि हमने पहले भी बात की डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इंडिया को अर्ज किया कि इंडिया को ये जो शॉर्टफॉल आ रही है यू नो you know, उसे मीट करना चाहिए और जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको रिलीफ देना चाहिए ठीक है लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर ये है दट देयर आर सम वेस्टर्न कंट्रीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड हु आर यू नो दे लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ़ वीट लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से वीट एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं किया है अगर हम अब तक के करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो वेस्टर्न कंट्रीज ऑन द डेवलप्ड वर्ल्ड दो आर देम सेल्फ यू नो लार्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट दे हैव नॉट इंक्रीज देअ एक्सपोर्ट तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए ना लास्टली अगर हम इस पूरे इशू की सोल्यूशन की तरफ जाएँ तो एक तो बड़ा सोल्यूशन ये है कि भाई वी नीड इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो पी डी एस सिस्टम है ये इफेक्टिव होना चाहिए ना स्टॉक्स की बात कर लेते हैं ना अभी तक अप्रैल थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हमारा जो स्टॉक है दैट इज़ ऑफ थर्टी पॉइंट थ्री मिलियन टन्स अभी करंटली हमारा स्टॉक कितना है थर्टी पॉइंट थ्री मिलियन टन्स अच्छा अब अगर हम इसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जो वैल्यू थी वो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव मिलियन टन्स थी तो भाई डेफिनेटली इनको अगर आप देखो तो पता चलता है कि हमारे पास जो वीक स्टॉक है वो इस साल काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा बेशक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वीक स्टॉक डिक्रीज हुआ है बट अकॉर्डिंग टू आर बफर स्टॉक नॉम्स ये अमाउंट थर्टी पॉइंट थ्री मिलियन टनस इट इज़ स्टिल हायर देन आर बफर स्टॉक नॉम्स ये बात भी याद रखेंगे सो इव यू टॉक अबाउट दी करंट ईयर सो द प्रोक्योरमेंट इज डेफिनेटली लोअर कम्पेयर दिस टू दास्ट टू ईयर्स लेकिन ये जो स्टॉक पोजिशन है ना ये टू थाउजेंड नाइनटीन के कम्पेरिजन में काफ़ी सिमिलर है 2019 में भी हमारे पास जो हमारे स्टॉक्स थे देवर अराउंड 35.8 मिलियन टन्स तो इससे पहले 2019 में भी हम 35.8 मिलियन टन्स पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो समझनी होगी स्पेशली ड्यूरिंग कोविड 19 ईयर्स द टू कोविड 19 ईयर्स 2020 2021 एंड देन 21 एंड 2022 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ प्लेड अ चेलर रोल इन दिस एंड पी डी एस हैज़ लिटलली शोड द विजडम ऑफ नॉट डिसमेंटलिंग इट हालांकि जो नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं देव सिंह की जो पी डी एस सिस्टम है इसे हटा देना चाहिए लेकिन कोविड नाइन्टीन में कितना बड़ा रोल पी डी एस सिस्टम ने प्ले किया है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है टोटल अगर हम राइस और व्हीट देखें कि 21 एंड 2022 में कितना राइस और वीट टेक हुआ है 102.3 102.3 पी ये पीडीएस सिस्टम ने यू नो और जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ कोविड नाइन्टीन में यू नो एज अ रिलीफ किया है नॉट ओनली दिस इज अ ग्लोबल रिकॉर्ड ग्लोबल रिकॉर्ड तो है ही बट जस्ट

अभी रिसेंटली सी पी आई इंडेक्स आया है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो रूरल इन्फ्लेशन रही है जो रूरल सी पी आई रहा है दैट इज़ ऑफ एट पॉइंट थ्री एट परसेंट दैट इज़ ऑफ एट पॉइंट थ्री एट परसेंट एंड यहाँ पर अगर हम फूड प्राइसिस की बात करें तो जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन रही है दैट इज़ एट पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन इसकी बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं एक तो ये कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो ज़्यादा है एंड जो बड़ी चीज़ हमने ये देखनी है वो स्टेट्स जहाँ पे बेटर पी सिस्टम है इंस्टेड ऑफ हैविंग हाई इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम है फॉर एग्जांपल केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत अच्छा पी सिस्टम है जिसकी वजह से केरला में जो इन्फ्लेशन जो रूरल इन्फ्लेशन फील की गई है दैट इज़ ऑफ 4.82 परसेंट सिमिलरली तमिलनाडु जहाँ पे 5.64 परसेंट की इन्फ्लेशन आई है तो ये पॉइंट याद रखेंगे द स्टेट्स विद बेटर पी दे हैव लो इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन को कूल cool डाउन करने में भी पी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सो वी नीड एन इफेक्टिव पी सिस्टम Now, यहाँ पे नेक्स्ट इशू जो आता है विच नीड्स आर यू नो कंसर्न दैट इज द इनक्रीजिंग कल्टीवेशन कॉस्ट नाउ यू आर दैट वी नीड टू प्रमोट प्रोडक्शन विच इज अ की एस्पेक्ट ऑफ आर फूड पॉलिसी इन इंडिया लेकिन फॉर दैट वी नीड टू प्रोवाइड रिमिनोरेटिव प्राइसिस टू फार्मर्स एज वेल इसे लेकर नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स रिपोर्ट आई है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द एम एस पी विच इज प्रोवाइडेड ऑन द वीट इट इज इन एडिकुएट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन स्पेशली इफ कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट इज टेकन एज अ बेस एंड अभी हम देख कर हटे हैं इयर लॉन्ग फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था दिस वॉज ऑल ड्रिवन बाई दर की जो न्यू फार्म एक्ट आएंगे उससे जो पब्लिक कमिटमेंट है ऑफ द रिन्यूमरेटिव प्राइस फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो खत्म हो जाएगी एंड स्पेशली ओवर दी लास्ट यू नो टू ईर्स जो हमारी प्रोडक्शन है वो काफ़ी शार्पली राइज हुई है प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी शार्पली राइज हुई है और जिसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे फ्यूल प्राइसेस का फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है एंड नाउ द फार्मर्स आर आल्सो वर्ड कि गवर्नमेंट का जो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल रहा है इन प्रोक्योरमेंट

गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द ट्रेडर्स टू बिल्ड अप स्टॉक्स ऑफ वीट तो बेसिकली द बेनिफिट फ्रॉम द फ्यूचर सेल चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो इट इज मोर लाइकली टू गो टूवर्ड्स ट्रेडर्स देन टूवर्ड्स द फार्मर्स तो अल्टीमेटली तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन ये जो यू टर्न और ये जो फ्लिप फ्लॉप हमें वीट एक्सपोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट्स लैक ऑफ

To buy up the stocks for the future gain. So, this was the whole scenario about wheat export and food security. I hope this entire topic is clear. So, that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.